अब एक दफा फिर अंबानी फैमिली में वेडिंग बेल्स बजने जा रही है, और इस दफा अंबानी फैमिली के सबसे छोटे बेटे आनंद अंबानी की शादी होने वाली है राधिका मर्चेंट के साथ। आनंद अंबानी कौन? मिस्टर मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे। और मिस्टर मुकेश अंबानी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एशिया के रिचेस्ट तरीन आदमी है, और अगर आप इंटरनेशनली या वर्ल्ड के हिसाब से बात करते हैं तो 10th या 11th नंबर पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ रिचेस। इनकी जो नेटवर्थ है दैट इज बिटवीन 111 to 115 बिलियन डॉलर्स। ये रिलायंस के चेयरमैन है, रिलायंस इनके फादर ने 1966 में स्टैब्लिश की थी, और ये कई सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। मतलब आपका क्या कहता है, रिफाइनरी साइड पे भी है, आपका रिटेल साइड भी, रिटेल साइड पे भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा टेलीकॉम में भी है। मतलब बहुत बड़ा सेटअप है, तभी तो भाई रिचेस्ट मैन इन एशिया ही है। लेकिन अगर आप शादियों की बात करते हैं, इवेंट्स की बात करते हैं, पार्टीज की बात करते हैं, तो भाई अंबानी को कोई नहीं हरा सकता, ये सबको पीछे छोड़ देते हैं। मतलब हमारे आमतौर पर शादियों में अब्रॉड से हम अपने रिश्तेदारी बुलाते हैं ना, जैसे यूके से रिजवाना खाला आ गई, दुबई से मोइन मामू आ गए, लेकिन भाई इनके इवेंट में इंटरनेशनली ना रिश्तेदारों से ज्यादा सेलिब्रिटीज मौजूद होती हैं, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस के हेड्स और सीईओ सारे बिग शॉट्स मौजूद होते हैं। 2018 में इनकी बेटी ईशा अंबानी की शादी के इवेंट्स हुए थे, जिसमें खास तौर पे बियॉन्से को बुलाया गया था। उसके अलावा फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन और जॉन कैरी भी ईशा अंबानी के इवेंट में मौजूद थे, और कहा जा रहा था इस इवेंट का खर्चा ब्लूमबर्ग के हिसाब से $100 मिलियन के करीब आया था, लेकिन बाद में किसी क्लोज फैमिली मेंबर ने कहा नहीं भाई 100 मिलियन डॉलर नहीं, 15-16 मिलियन डॉलर से ज्यादा इस इवेंट का खर्चा नहीं था, जो कि भाई आम आदमी के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद इनका बेटा, बड़ा बेटा आकाश अंबानी, उसकी शादी के इवेंट्स हुए थे 2019 में, 2019 में, और उसमें भी कोल्ड प्ले ने परफॉर्म किया था और द चेन स्मोकर्स ने परफॉर्म किया था। अगेन बिग ब्रांड्स, बिग इंटरनेशनल सिंगर्स या बैंड्स कहना आप इनको। इसके बाद अभी जो क्या कहते हैं आनंद अंबानी की शादी की क्या कहते हैं प्री वेडिंग फेस्टिविटीज चल रही हैं, क्योंकि असल में शादी जो है वो जुलाई में है, तो अभी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज चल रही हैं। इसमें जो लोग आए थे, जो गेस्ट लिस्ट बनी थी, वो 1200 के करीब लोग आए थे, गेस्ट लिस्ट थी, और आपका ब्लूमबर्ग के हिसाब से जितने ज़्यादा कॉर्पोरेट हेड्स इस या जितने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ या कॉर्पोरेट हेड्स कहने इस इवेंट में आए थे, आपका आनंद अंबानी के फेस्टिविटीज़ में आए थे, वो पिछली दो शादियों में नहीं थे। और अगर आप अब गेस्ट लिस्ट की बात करते हैं, तो भाई इस गेस्ट लिस्ट पे सबसे टॉप पे आती है रेहाना, जो कि हाईलाइट थी इस इवेंट की, क्योंकि रेहाना किसी प्राइवेट इवेंट में जाती नहीं है, लेकिन इस इवेंट के लिए वो खास तौर पे आई थी। रेहाना ने करीबन 19 गाने गाए थे और इन्होंने अराउंड 8 to 9 million dollars चार्ज किया था। इसके अलावा आपके बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज़ थे, आपका शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने एक साथ भी स्टेज पर डांस किया था। उसके अलावा सैफ अली खान, करीना कपूर, माधुरी, अमिताभ बच्चन, यू नेम इट, एंड ऑल दोज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वर देयर। उसके अलावा इंटरनेशनल कंपनीज़ के टेक जायंट्स वगैरह के सीईओ, जैसे मार्क जकरबर्ग, वो अपनी वाइफ के साथ आया था, मेटा का जो सीईओ है आपका। उसके अलावा बिल गेट्स मौजूद था इसमें। इसके अलावा सुंदर पिचाई, जो कि अल्फाबेट इंक का सीईओ है, अल्फाबेट इंक क्या गूगल की पेरेंट कंपनी, पहले सुंदर पिचाई जो थे गूगल के सीईओ थे, वो अल्फाबेट इंक के सीईओ हैं, जो कि गूगल को ओन करते हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा ब्रिटिश पेट्रोलियम का सीईओ वहाँ पे मौजूद था। उसके अलावा डिज्नी का सीईओ बॉब एगर वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, इसका रिलायंस का एक मर्जर हुआ है, डिज्नी की जो सारे इंडियन एसेट्स है ना, जो इंडियन मीडिया है, उसका मर्जर हुआ था रिलायंस के साथ अभी रिसेंटली, जो कि 8.5 बिलियन डॉलर्स की डील थी, तो ज़ाहिर है उसको तो इस सीईओ को तो यहाँ पे होना ही था। उसके अलावा आपका डेविड ब्लेन, इंटरनेशनल मैजिशियन, वो वहाँ पे यहाँ इस इवेंट में मौजूद थे। इसके अलावा एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा स्टेफन हार्पर, वो यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर केविन रड, वो इस इवेंट में मौजूद थे। मतलब यू नेम इट एंड दे वर देयर। तो भाई मतलब सबसे ज़्यादा जो कॉर्पोरेट गेस्ट और सेलिब्रिटीज़ आए थे, वो इनके सबसे छोटे बेटे आनंद अंबानी, जो अभी जिसका इवेंट हुआ है, इसमें आए थे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं ये इवेंट की, जो क्या कहते हैं इनकी जो ट्रेडिशन है ना अंबानी वालों की, वो ये है कि जो भी इस तरह का जब भी कोई इवेंट होता है ना, प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ या कुछ, उससे पहले ये जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में ये इवेंट कर रहे होते हैं, जैसे इस दफ़ा गुजरात में इवेंट हुआ था, तो वहाँ के जो लोकल्स हैं ना, उसको वो खाना खिलाते हैं, वो इनका एक ट्रेडिशन है। तो इस दफ़ा जो गुजरात के लोकल्स या विलेजर्स थे, 51,000 के करीब लोगों को अंबानी फैमिली ने इस इवेंट से पहले खाना खिलाया था। उसके अलावा इस इवेंट के जो ड्रेस कोड था, वो 9 पेजेस के ऊपर छपा गया था। मतलब 9 पेजेस की बुकलेट थी ड्रेस कोड की, वो सारे गेस्ट को दी गई थी। उसके अलावा इस इवेंट में 100 से ज़्यादा या 100 के करीब शेफ्स थे, जिन्होंने 500+ डिशेस बनाई थी। ये इवेंट जो ऑल एंड ऑल था, ये 3 डेज़ का था। डे वन जो था वो एक कॉकटेल पार्टी थी, डे टू जो था वो रिलायंस एनिमल रेस्क्यू सेंटर का टूर था। रिलायंस वालों का एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर भी है, जिसके अंदर 2,000+ एनिमल्स हैं, तो उसका एक टूर था सेकंड डे पर। थर्ड डे पे भी इस रेस्क्यू सेंटर के अंदर ही स्टे था, ताकि लोग नेचर को इन्जॉय कर सकें। तो ऑल एंड ऑल जो ड्रेस कोड था, जो थीम थी ना इस इवेंट की, वो जंगल थी।
और अब मैं अगर बात करूं इस इवेंट का टोटल खर्चा कितना हुआ था, अभी तो मैं एस्टिमेट के हिसाब से ही बता सकता हूं जो आया है, दैट वाज अराउंड 152 मिलियन डॉलर्स। और अगर मैं इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करता हूं तो 1250 करोड़ रुपए के करीब जो है वो इस इवेंट का खर्चा हुआ था। और इसमें अगर मैं पी के आर में कन्वर्ट करता हूँ पाकिस्तानी रुपी में, तो भाई कैलकुलेटर में एरर आ जाएगा। लेकिन समझने वाली बात ये, बहुत सारे लोग शायद समझेंगे भाई इतनी लैविश पार्टी, इतना लैविश खर्चा, ये सिंपल फ्लेक्सिंग है, शो ऑफ है, ये वो। भाई शो ऑफ तो है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ये नेटवर्किंग है। बड़े बड़े बिजनेसेस जो है ना, उनको नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक रूफ के अंदर पूरी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को, स्टार्स को, सबको बुलाने का या इनके आने का मकसद क्या है कि भाई नेटवर्किंग है, बिजनेस ग्रोथ है, रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट है। तो भाई बड़े बड़े बिजनेस ओनर जो हैं उनका बिजनेस ही नेटवर्किंग पर चलता है। तो दिस वॉज अनदर मेजर इवेंट ऑफ नेटवर्किंग।